नमस्कार मित्रों, आज मैं इस वीडियो में कंधा दर्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। और कंधा दर्द कई दूसरे रोगों के बारे में भी संकेत करता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कंधा क्या है। तो कंधा हड्डियों के बीच एक संपर्क बिंदु है, हड्डियों के बीच एक संपर्क बिंदु है जो हाथों को हिलाने की व्यापक अनुमति देता है। कंधा धड़ के कोने पर और हाथों के शीर्ष पर स्थित होता है, ये कंधे हैं। कंधे में अचानक दर्द शुरू होने का सबसे आम कारण तंतुओं लिगामेंट्स में खिंचाव आना, और यह जनरली खेलते समय या यात्रा करते समय भारी सामान को उठाने के कारण होता है। कंधे का दर्द शरीर के अन्य हिस्सों गर्दन के तरफ भी जा सकता है, या दर्द कंधे से शरीर के अन्य जुड़े हिस्सों तक भी मिल सकता है, फैल सकता है। दिल के दर्द के कारण, अब देखिए, कंधे का दर्द दिल के दर्द के कारण भी हो सकता है। दिल के दर्द के कारण बाएं कंधे या उसके आसपास का एरिया, हाथ में भी दर्द होता है। जिनकी उम्र अधिक हो, सिगरेट या शराब का सेवन अधिक करते हों, डायबिटीज़ लंबे समय से हो या उच्च रक्तचाप अधिक समय से हो, वजन अधिक हो, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जिनके कंधे में दर्द के साथ साथ सीने के बीचों बीच पूरे सीने में दर्द रहता हो, तो ये वो कारण हो सकता है। यदि कंधा हिलाने से दर्द बढ़ता हो तो दर्द का कारण मोच या मांसपेशियों में खिंचाव होता है। वैसे समय में दिल का दर्द है, ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि दाएं कंधे में दर्द हो और हाथ हिलाने पर दर्द नहीं बढ़ता हो, किंतु कंधे के साथ साथ पेट में दाएं तरफ ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होता हो, उल्टी होती हो अथवा पसीना आ रहा हो या आता हो, तो पित्ताशय, गल ब्लैडर में पथरी होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। कंधे में तीव्र दर्द के कारण हाथ ऊपर नहीं उठ सकता, ऐसे ऊपर नहीं उठ सकता। कपड़ा पहनने, कपड़ा उतारने, शौच आदि के समय, मल साफ करने के समय अत्यधिक कठिनाई होती हो, तो ये कंधा दर्द का कारण है। दर्द में निरंतर वृद्धि हो रही हो, सोते समय अधिक होती हो, कंधे के जोड़ में, जोड़ का दर्द में कमी और जोड़ में कठोरता आना प्रारंभ हो जाए। तीसरी अवस्था में जोड़ का दर्द समाप्त हो जाता है, लेकिन जोड़ में, कंधे में कठोरता आ जाती है, जिससे व्यक्ति हाथ पीछे करने में बहुत असमर्थ हो जाता है, परेशानी होती है। बाल में कंघी करने में परेशानी होती है, शौच के समय या कभी भी हाथ को ऊपर नीचे ये करने में परेशानी होती है। कंधे में जकड़न, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। गर्दन घुमाने, खांसने, छींकने, कंधे का दर्द बढ़ सकता है, अथवा गर्दन में भी थोड़ा थोड़ा
दर्द या अकड़न महसूस होता है तो संभवतः यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की संभावना होती है। यह एक आम बीमारी है जो उम्र बढ़ने पर रीढ़ की हड्डी में घिसाव का कारण होता है। इसकी चिकित्सा एक्यूप्रेशर विधा में बहुत ही सरलता पूर्वक किया जाता है। इन बिंदुओं पर, एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे मैनुअल भी कर सकते हैं और इस लेजर पेन से भी कर सकते हैं, मैनुअल में इस जिमी से भी कर सकते हैं। लेजर पेन से करना ज़्यादा श्रेयकर है। कुछ बिंदुएं हथेली में है और कुछ बिंदुएं पैर में है और पैर के तलवा में है। तो मैं पहले हथेली के बिंदुओं के बारे में बता दूं। सबसे पहले लेजर को ऑन करेंगे और इसमें पावर होता है प्लस करने का, जितना अच्छा लगे उतना दिया जा सकता है। तो SI-1B कंधे का दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन बिंदु है। ये कानी उंगली बाहर की तरफ, सेकंड पोर, इस स्थान पर हम लोग SI-1B, इस पर हम लोग इस तरीके से पॉइंट को दे सकते हैं और यह 5 मिनट तक इस लेजर पेन से देना है। या मैनुअल करेंगे तो उस पर पेशेंट को जितना अच्छा लगे उतना दबाव देना है। दूसरा हाथ में बिंदु है ये फर्स्ट फिंगर, अंगूठे के बगल वाली और बीच के बगल वाली उंगली, बीच वाली उंगली के, ये इस उंगली में सेकंड पोर में इस स्थान पर ND-1B पर भी 5 मिनट तक इस लेजर पेन से देंगे। इसके अलावा जो बिंदुएं हैं वह हमारे पैर के तलवों या पैर में हैं। तो मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले हमें अपने धरन को देखना है, नाभि चक्र के पॉइंट पर। यह बिंदु अभी चित्र में दिखाया जा रहा है, अंगूठा, पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली में ऊपर में जो बिंदु दिखाई गई है यह सोलर प्लेक्सस का बिंदु है, सोलर पॉइंट है। दूसरा पैर के बिंदु में JD-1B और JD-2, यह तीनों बिंदुएं अंगूठा के बगल वाली उंगली में चित्र में दिखाया जा रहा है। इन बिंदुओं पर हम लोगों को इस लेजर से 5 मिनट तक लेजर देना है, जितना पेशेंट को अच्छा लग रहा हो। इसके अलावा पैर में अन्य बिंदुएं हैं ST-38, GB-34 और SP-6। SP-6 बिंदु पैर के टखना से अंगूठा के तरफ, पैर का जो टखना मेलुलस होता है उससे 4 उंगली ऊपर पाया जाता है, चित्र में दिखाया जा रहा है। ST-34 और ST-38 भी चित्र में दिखाया जा रहा है। इन बिंदुओं पर लेजर पेन से हम सभी 5 मिनट तक उस पर देते हैं या मैनुअल इससे 1 मिनट से 2 मिनट तक देते हैं तो कंधे दर्द में अत्यधिक फायदा होगा। या कंधा दर्द जो सूचित कर रहा है गल ब्लैडर के पथरी का या दिल के रोग का या मांसपेशी खिंचाव का, लिगामेंट के खिंचाव का या सर्वाइकल पेन का, उन सभी में ये बिंदुएं बहुत कारगर हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कि जनमानस लाभ ले, कमेंट भी करें और लाइक भी करें अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।